उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो सवार चार लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के पड़ोसी जनपद संभल के रहने वाले पांच लोग दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करते थे। ये सभी अपने ऑटो में सवार होकर दिल्ली के लिए जा रहे थे। पांचों ऑटो में सवार थे। जैसे ही इनका ऑटो बीती रात को गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर पहुंचा, वैसे ही अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में ऑटो सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। संभल से आते हुए हसनपुर रोड पर दुर्घटना में चार व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, उसको रेफर कर दिया गया है। सूचना आपने पुलिस को दे दी है? हाँ, पुलिस को दे दी है। पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस मामले में घायल को इलाज के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है। एसपी अमरोहा ने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरे मामले में चारों की मौत की पुष्टि करते हुए आधिकारिक तौर पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही। जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक ऑटो जिसमें पाँच लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें चार लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें पांच लोगों में से चार लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कराया है, जिससे हम लोग मिल भी लिए हैं। मेरे और डीएम साहब द्वारा उनसे बात भी करी गई है, उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी तक जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है, साथ ही साथ परिवार वाले यहाँ पे आएंगे, उनसे एक एप्लीकेशन अगर उनके द्वारा दी जाएगी तो इनके द्वारा एप्लीकेशन ली जाएगी, साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के बाद टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।